हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हैशटैग 100 इन मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स चाहिए ना, तो मेरे साथ रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आज है वो है अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं और आप इसको बिल्कुल परफेक्ट करेंगे प्रैक्टिस करके बार बार। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, अननोन कोऑर्डिनेट हैं, बी के 5, 8, सी पर 4, 7 एंड डी पर 2, -4 हैं। तो हमको देखिए आपके सामने ये बना हुआ है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं और उसके डायगोनल ज्वाइन कर दिए। तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ ए पता लगाने हैं और इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी पता लगाना है। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए और आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जब हमको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालने हैं तो हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इस मिड पॉइंट के डायगोनल हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी मान लिए और देखिए इनको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू मान लिया। तो फॉर्मूला लगाया मिड पॉइंट का, ए इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, बी इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू और उठा के ये वैल्यूज रख दी। तो देखिए ए को निकालना है, अगर यहाँ ए और बी लिखा हुआ है तो ये x और ये y, तो यानी कि a निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 5+2 क्योंकि x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 7/2 आ जाएगा। और b निकालने के लिए देखिए -4 और 8 को लेंगे, y1 प्लस y2 तो -4+8/2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गए 7/2 और 2 a और b के। अब जरा आप इसको देखिए ac को, क्योंकि हमें x और y निकालना था तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और अब की बार X1 और Y1 ये है, X2 Y2 वो है, तो ये XY यानी मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो फिर से देखिए 7/2 क्योंकि A के कोऑर्डिनेट तो 7/2 इज इक्वल टू x+4/2 कर दिया, तो सॉल्व करेंगे x3 आ जाएगा। इसी तरह से Y पे देखिए तो 2 इज इक्वल टू y+7/2, 2 इज इक्वल टू y+7/2 करेंगे तो आपके सामने -3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -3 यानी ये कोऑर्डिनेट आ गए 3, -3। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी निकालना है। तो बी डी डायगोनल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज़ किया y-y1 इज इक्वल टू m x-x1 y-8। अब एक कोऑर्डिनेट ले लिया, जैसे हमने b के कोऑर्डिनेट ले लिए तो y-8 और m का फार्मूला स्लोप का फार्मूला होगा y2-y1/x2-x1, x-5 लिख दिया। आई थिंक ये समझ में आ गई बात आपको। अब आप बस वैल्यू रख दीजिए y-8 इज इक्वल टू -4-8/2-5 x-5 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन 4x-y-12 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।